लोग का पम्मी राजा फुर्सत के पल ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और दुर्गा पूजा भी आने वाली है। राज भी देखिए क्या लेके खड़ा है। कद्दू, तो आज कद्दू की रेसिपी बना रही हूँ मैं। अधिकतर घरों में खास करके बच्चे नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं कद्दू का नाम सुन के, कद्दू की सब्जी, लेकिन कद्दू का खीर का नाम सुन के ये लोग बहुत खुश है। देखिए आज क्या बनेगा राजवीर? कद्दू की खीर। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और दुर्गा पूजा आने वाली है, क्या लगभग आ ही चुकी है, तो माँ दुर्गा की कृपा सभी पे बनी रहे, जय माता दी। तो चलिए जय माता दी करके बनाते हैं हम लोग ये कद्दू की खीर, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो खीर बनाने के लिए हमें तो दूध की जरूरत पड़ेगी ही। तो देखिए ये 1 लीटर दूध है, इसको अच्छी तरह से खौला के हम लोग गर्म कर लेंगे। और ये जो कद्दू है इसको अभी काट के हम लोग, छील के काट के इसको अभी इसे कद्दूकस करेंगे। तो चलिए पहले कद्दू को काट लेते हैं। तो मैं 1 लीटर दूध है तो मैं इसमें देखिए आधा कद्दू इसका यूज करूंगी, इसमें आधा हम लोग रख देते हैं। ये कद्दू गोल है तो इसको काट के छीलने में आसानी होती है। तो कद्दू को छील कर अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। और बीच बीच में हमारा जो दूध खोल रहा है इसको हम लोग चलाते रहेंगे। दूध को थोड़ा खोलाते खोलाते हम लोग को गाढ़ा कर लेना है। तो चलिए इस कद्दू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कद्दू कद्दूकस हो गया है पूरा। अब इसमें जो पानी है इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। कोई पतला कपड़ा हो आप उसमें डाल के भी इसका सारा पानी निकाल सकते हैं, मैं तो हाथ से ही निकाल लेती हूँ वैसे। देखिए इस तरह से कद्दू में से सारे पानी हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हम लोग घी में फ्राई करेंगे। तो देखिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, छोटी सी कढ़ाई है मेरी एक, मैंने सोचा इसी में कद्दू को फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें 2 चम्मच छोटे चम्मच से घी डाला है। अब इसमें हम अपना कद्दू फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम तेज रखना है हमें, घी को अच्छी तरह से चला लेंगे। और अपना ये कद्दू डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। हमें कद्दू को 10 मिनट तक भूनना है। घी में भूनने से क्या होता है, इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अभी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये जो कच्चापन होता है ना कद्दू का वो भी चला जाता है। तो देखिए 10 मिनट तक भूनने के बाद हमारा कद्दू हो गया है भून के तैयार। इसको अब डालेंगे हम लोग अपने खोलते हुए दूध में। इसको अच्छी तरह से चला लेना है। देखिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने 10 मिनट बोला था पर 15 मिनट लगे हैं और ये हमारी खीर तैयार हो गई है। देखिए अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो देखिए इस कटोरी से मैंने इतना चीनी लिया है। अगर आप लोग मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा डालिए, कम पसंद करते हैं तो कम डालिए, मैं इसमें इतना डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हम लोग बंद कर देंगे, चीनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लोग थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। दो छोटी इलायची लेकर इसका इलायची पाउडर हम लोग बना लेंगे और इसको भी हम लोग खीर में डाल लेंगे।
तो लीजिए फैमिली, हमारी कद्दू की टेस्टी खीर बनकर हो गई है तैयार, जो बड़ों को बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़े चाव से सब खाते हैं, तो आप लोग जरूर बनाइएगा इसे। तो है ना ये आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी, तो आप लोग जरूर बनाइएगा और खाइएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।